हेलो गाइस, वेलकम मेरे चैनल में और फोटोशॉप के और एक वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हम जानेंगे आज आप एक परफेक्ट तो नहीं कहूँगा अभी, क्योंकि अभी परफेक्ट अगर मैं सिखाते जाऊँ तो आपको मुश्किल होगा थोड़ा। तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा कुछ आसान सा होर्डिंग बनाने का, बैनर बनाने का कुछ तरीके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम फर्स्ट क्या जानेंगे होर्डिंग बैनर में क्या क्या होता है, कंपनी का या फिर किसी दुकान का क्या क्या चीज़ होता है, हम वही जानेंगे और करेंगे भी। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले ज़रूर बता दूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट करना मत भूलिएगा नीचे कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए, कोई और ट्यूटोरियल चाहिए या फिर नहीं, और मेरे वीडियो में कोई अगर गलती हो गया है तो आप ज़रूर बता दीजिए, मैं वो सुधारने की कोशिश करूँगा। और आपको क्या क्या नया चीज़ देखना है आप ज़रूर बता दी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फोटोशॉप के एक नया पार्ट। तो फर्स्ट आप ओपन कीजिए फोटोशॉप सीसी या फिर आपके पास जो भी है वो फोटोशॉप का वर्जन आप ओपन कीजिए। लेकिन एक एडवाइस देता हूँ, आप ज़रूर, मैं जिस वर्जन में काम कर रहा हूँ, अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज़रूर यही वर्जन ओपन कीजिए और यही वर्जन में काम कीजिए, तो आप को सुविधा होगी और कुछ नहीं। तो हियर वी गो। तो ये ओपन हो गया है हमारा फोटोशॉप सीसी का वर्जन, कंट्रोल एन जो नहीं आ रहा है अभी, हाँ आ गया। तो एक बार में आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पर विथ एंड हाइट, तो यहाँ पर विथ आप दे रख दीजिए 20 और आप हाइट रख सकते हैं 10। तो चलिए ओके, यहाँ पर ये होर्डिंग का साइज आ गया। तो होर्डिंग का साइज कुछ एकदम परफेक्ट आपको मैं नहीं बता सकता, आप इसी साइज में करिए, यही साइज ठीक ठाक है हम बता सकते हैं। तो चलिए, तो पहले तो आप ऊपर अपना नाम लिख दीजिए कंपनी का, टेक्स्ट टूल लेके यहाँ से कंपनी का नाम जो मैं देता हूँ, ओके, सैम स्मिथ को लिमिटेड, एंड इसको मिडिल में ला दीजिए, हो गया। तो नीचे यहाँ पर आप लिख दीजिए आपको कंपनी का क्या करते हैं हम, मतलब किस चीज़ के लिए हमको कंपनी ओपन किया है, आप क्या क्या चीज़ करते हैं। यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर दीजिए, ईमेल दीजिए, एड्रेस दीजिए, ऐसे ही कुछ डिटेल्स दे दीजिए, वो कैसे किस जगह में मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले तो यहाँ पर एक ऊपर ही यहाँ पर एक आप लिख दीजिए आप क्या क्या चीज़ करते हैं यहाँ पर, उससे पहले इसको लेयर को तो लीजिए ज़रूर, नया लेयर लीजिए यहाँ पर, ओके, दिस इज टेक्निकल चैनल ऑफ यूट्यूब। वी आर अपलोड वीडियो अबाउट टेक मैटर, ओके। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन दे दिया है हमारे कंपनी का, जो भी कंपनी है वो। तो यहाँ पर अगर आप इसका फॉन्ट चेंज कर दे, यानी कि लिखावट का धरन चेंज कर दे, तो ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ये दोनों लाइन। फॉन्ट
ये अच्छा है, और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, इसका फ्रंट। यही था इटैलिक, हाँ ये ओके। तो ये देखिए यहाँ पर ये अच्छा लग रहा है, अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो बोल्ड नहीं करने, नहीं अगर नहीं करते हैं यही अच्छा लग रहा है। तो चलिए हमारे यहाँ पर हमारा जो कंपनी का डिस्क्रिप्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे लिखेंगे इसका एड्रेस, या फिर आप यहाँ पर अपना कंपनी का लोगो भी दे सकते हैं, यहाँ पर अपने कंपनी का नाम लिख सकते हैं, नाम तो ऊपर लिख ही दिया, यहाँ पर अपने कंपनी का जो आपके नंबर्स है मतलब फ़ोन नंबर्स है वो आप दे सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर दे सकते हैं आपका ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप नीचे दे दीजिए, होटिंग का एकदम नीचे में यहाँ पर ईमेल एड्रेस दे दीजिए, और फ़ोन नंबर भी यहाँ पर दे सकते हैं। मिडिल में आप अपना लोगो दे सकते हैं, आप कंपनी का ऑफिस का पिक्चर दे सकते हैं, ऐसे ही कुछ चीज़ें दे सकते हैं आप मिडिल में। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो अगर आप कुछ स्टाइलिश टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ से एक स्ट्राइप ले लीजिए, एक मिनट सॉरी, स्ट्राइप ये रहा। ये हो गया यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आप अपना कंपनी का जो है ईमेल दे सकते हैं। टेक्स्ट बार ले लीजिए यहाँ से, यहाँ पर लिखिए ईमेल, अगर ईमेल आप वाइट में लिखेंगे यहाँ पर तो ही अच्छा लगेगा। ये मैंने अपना ईमेल दिया, ऐसे ही आप अपना कंपनी का भी ईमेल दे सकते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम, 72 रखिए मिडिल में, ओके। अब एक और लिया लेंगे हम यहाँ से, यहाँ पर मोबाइल नंबर देंगे, एक मोबाइल नंबर दे दिया हमने यहाँ पर। अलाइनमेंट कर लीजिए, समान कर लीजिए दोनों लिखावट का जो लेवल है स्केल है उसको समान कर लीजिए ताकि दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो ऐसे ही हम बना सकते हैं कुछ होर्डिंग बना सकते हैं, ये आसान सा तरीका है, मैं बाद में आपको और भी टफ दिखाऊंगा, लेकिन अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो नेक्स्ट वाले आप नहीं कर सकेंगे, नेक्स्ट वाले जो मैं दिखाऊंगा वो आप टोटल कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए मेरे हर चीज़ को जो मैं दिखाता हूँ मेरे यूट्यूब के चैनल में, फोटोशॉप हो, एचटीएमएल हो, और चाहे वो एक्सेल हो। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, फोटोशॉप के एक्सेल के और एचटीएमएल के अपडेट्स के साथ बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में आ जाइए जो मैं अपलोड करूँगा। शुक्रिया।